क्वेश्चन नंबर 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेज अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखने पड़ेंगे। सो टोटल जो आउटकम्स होंगे उनका हम यहाँ पे पहले सेट पता कर लेते हैं, कौन से आउटकम्स होंगे हम यहाँ लिखते जाते हैं। नाउ दस वे टू राइट डाउन द आउटकम्स इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लिखते हैं कि अगर तीनों पर हेड आता है तो क्या आउटकम बनता है, HHH। ओके, और अगर तीनों पर टेल आ जाता है तो क्या आउटकम बनता है, टेल टेल टेल। नाउ द इजीएस्ट वे टू राइट डाउन ऑल द आउटकम्स इज टू फ्लिप ईच टाइम 1-1 कॉइन। जैसे हम लास्ट कॉइन को फ्लिप करते तो क्या बनता है, HHT। और अब हम इसका ऑपोजिट बना लेते हैं, ऑपोजिट क्या बनता है इसका, TTH। देन वी विल फ्लिप द मिडिल कॉइन, दैट इज HTH। यानी कि पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आया और तीसरी बार में अगेन हेड आया। अब हम इसका ऑपोजिट बनाते हैं, सो दैट विल बी THT। अब हम फर्स्ट टाइम वाले को फ्लिप कर देंगे, सो दैट इज टेल HH, THH रहेगा, इसका ऑपोजिट बनाएंगे, सो HTT। तो ऐसे करके हमें टोटल कितने आउटकम्स मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल हमें 8 आउटकम्स मिल जाते हैं। सो टोटल आउटकम्स हियर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, HHH, HHT, HTH, H, दैट इज THH, देन HTT, THT, TTH एंड TTT। तो हम यहाँ पे टोटल आउटकम्स सारे लिख देते हैं। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, कितने आउटकम्स हुए वो हम यहाँ बता देते हैं, दैट इज 8। एंड अब जब वो विन करेगा, कब विन करेगा, वो दिया है व्हेन ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो सेम रिजल्ट तो फर्स्ट आउटकम में और लास्ट आउटकम में मिल रहा है, जब तीनों हेड्स हैं या तीनों टेल हैं। तो उसके विनिंग वाले हैं हेड 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 या फिर टेल टेल टेल। तो वो लूज कब करेगा हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। सो ये जो आउटकम्स हैं, दैट इज 8 माइनस 2, 6 आउटकम्स हैं व्हेन हनीफ विल लूज द गेम। ओके, सो हम यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन हनीफ विल लूज, तो दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 2, दैट इज 6 आउटकम्स हैं। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, सो दैट विल बी 6 आउट ऑफ टोटल, टोटल इज 8, सो दैट इज 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। सो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3 आउट ऑफ 4।